आकसी खुले फिजावा विच जी काश कित में चले दासी कदे ओदे हार पड़े आ अज ओही कंदी गुनागार पड़े आ सेवी लिखदा ते गो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, सो मैं फैन आगे अपने एक सॉन्ग के ब्लेसिंग है और गाइस इस बार बहुत मजा होने वाला है। आज जानते सॉन्ग का नाम क्या है। तो गाइस जिस सॉन्ग पे हम रिएक्शन करने वाले उसका नाम है जरूर। और गाइस ये है बेसिकली आयुष्मान खुराना के भाई का अपर शक्ति खुराना का। तो फटाफट देखते हैं इस सॉन्ग कैसा होने वाला है। शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। बैठी कितने बदला तो दूर होड़ी है मेरे बाबू भी मजबूर होड़ी है। इतना मेलोडियस सॉन्ग है ना कि मैं इसके ऊपर अपनी वर्ड्स रख ही नहीं सकती। बिकॉज एक एक जो उसकी ट्यून होती है वो जैसे फोटो शूट करता है और एक एक को कैप्चर करता है और हर एक के बारे में एक लाइन बोलता है। सुनती ता गल भी जरूर होनी है, सुनती ता गल भी जरूर होनी है। जो लव वर्ड्स आपस में करते हैं या फिर बारिश होती है जो वो चीज वो फील कर रहा है उस लड़की को देख करके वो वाली फीलिंग उसको कहीं नहीं आ रही। तो इट्स टू गुड। आकसी खुले फिजावा विच जी काश कितने मिल जावे रावा विच जी रब सी ओ मेरी या निगाह विच जी बनी किस चन दी हूर होनी है। किसी के अंदर वो लव नहीं ढूंढ पा रहा था जो उसके दिल से वो खुद फील कर रहा था। रब जाने किन्ना ने सलावा दित्तियां बीतियां तो बस मेरे नाल बीतियां सुपने वांग केड़ा पूर होनी है। तो हमने मतलब 100 टाइम्स सुन चुके हैं, अभी भी हम शायद दोबारा सुनने जा रहे हैं इस सॉन्ग को करने के बाद। गाइस सर बैठी की तो बदला तो दूर होनी है मेरे वांगो भी मजबूर होनी है सुनती ता गल भी जरूर होनी है सुनती ता गल भी जरूर होनी है पहले दासी कदे ओदे हार पड़े है अज ओही कहंदी गुनागार बड़े आ सैवी लिखदा ते गाउंदा कलाकार बड़े आ पर मुड़के किसे दा नहीं हो यार बड़े आ। मिल गया सब बस ओही थोड़िया कमी मेरे विच ही हजूर होनी है बैठी कितने बदला तो दूर होनी है मेरे वांगू भी मजबूर होनी है सुनती तो गल भी जरूर होनी है सुनी तो गल भी जरूर होनी है बैठी कितने बदला तो दूर होनी है मेरे वांगू भी मजबूर होनी है सुनती तो गल भी जरूर होनी है सुनती तो गल भी जरूर होनी है। गाइस इतना मेलोडियस सॉन्ग है ना कि मैं इसके ऊपर अपनी वर्ड्स रख ही नहीं सकती। बिकॉज एक एक जो उसकी ट्यून होती है वो जैसे फोटो शूट करता है और एक एक को कैप्चर करता है और हर एक के बारे में एक लाइन बोलता है। देन लास्ट में जो बोलता है कि मुझे पता है वो मेरी सारी बातें सुन रही है, मतलब वो
इस पूरे सॉन्ग में सबसे बेस्ट लाइन है। दूसरी मुझे ये अच्छी लगी कि उसने इतने लोगों की फोटो शूट करने के बाद उसको वो वाला प्यार फील नहीं आया जो लव बर्ड्स आपस में करते हैं या फिर बारिश होती है जो वो चीज वो फील कर रहा है उस लड़की को देख करके, वो वाली फीलिंग उसको कहीं नहीं आ रही। तो टू गुड, मतलब अमेजिंग तरीके से इन्होंने सॉन्ग को डिजाइन किया गया। अलग अलग लव स्टोरी दिखाई गई है, पहले बहुत ओल्ड स्टोरी दिखाई गई है, फिर धीरे धीरे और मतलब एक लव बर्ड किसी के अंदर वो लव नहीं ढूंढ पा रहा था जो उसके दिल से वो खुद फील कर रहा था। तो इस गाना बहुत ही ज्यादा लिरिक्स, बहुत ही ज्यादा मेलोडियस थे, हम गाने में खो गए। मैं तो रिपीट में बहुत बार सुन गया, मेरे को तो फेवरेट गाना तो हमने मतलब 100 टाइम्स सुन चुके हैं, अभी भी हम शायद दोबारा सुनने जा रहे हैं इस सॉन्ग को करने के बाद। तब तक के लिए बाय।